इंसानी ज़िंदगी तलाश और जस्तजू से इबारत है। इंसान ये समझता है कि शायद उसकी तलाश का महवर दौलत, शोहरत और इक्तदार है, सो वो अपने आप को इस तलाश में महव करके इस सब की तलाश को निकल पड़ता है। वो दौलत पा लेता है, शोहरत को अपने बस में कर लेता है, इक्तदार को भी हासिल कर लेता है, पर उसे चैन नहीं आता, उसे करार मुयसर नहीं आता, उसे दिली सुकून नहीं मिलता। चुनांचे वो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में हाज़िर होता है, किसी अल्लाह के पसंदीदा किसी बरगुजीदा शख्सियत से जाकर मिलता है, जहाँ से उसे वो चैन, वो करार, वो सुकून मुयसर आ जाता है जो मादा परस्ती में कहीं मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह पर, जहाँ से शाहाने वक्त ने वो पाया जो और कहीं मुयसर ना था। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक कादरिया सिलसिले से था। बरे सग़ीर में चार रूहानी सलासिल का बोलबाला रहा, सिलसिला कादरिया उनमें से एक है। आप रहमतुल्लाह अलैह को सूफियाए पंजाब में एक नुमाया और मोतबर मकाम हासिल है। आपने दीगर सूफिया की तरह अपने ख्यालात को कलम बंद नहीं किया। आपके फरामीन व तालीमात का बेशतर हिस्सा हम तक मुगलिया शहजादा दारा शिको की तवस्सुत से पहुँचता है, जो कि आप रहमतुल्लाह अलैह का बिलवास्ता मुरीद था। शहजादे ने आप रहमतुल्लाह अलैह की शान और आपके कमालात पर एक मुकम्मल किताब मुरत्तब की, जिसका नाम सफीनतुल औलिया रखा। एक जगह वो लिखता है, वो ज़ाहरी और बातनी हकीकत और काबिलियत में यकताए रोज़गार और आरिफ कामिल गुजरे हैं। ज़ाहरी और बातनी हकीकत में इतना बुलंद मकाम था कि बड़े से बड़े फाजिल शख्स को भी उनके सामने मजाल सुखन न होती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह सादगी पसंद फरमाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का बेशतर वक्त अपने मुरीदीन की तरबियत और तन्हाई में इबादत और रियाजत में बसर करते, क्योंकि हुजूम आपको सख्त नापसंद था। एक वक्त ऐसा भी आया कि अकीदतमंदों की इस कदर तादाद में इजाफा हुआ कि आप लाहौर से सरहंद मुंतकिल हो गए। अलबत्त कुछ वक्त के बाद आप लाहौर वापस तशरीफ़ ले आए। शाह वक्त भी आपकी तालीमात और आपकी कदावर शख्सियत का कायल था। अगरचे जहांगीर का मज़हब से ताल्लुक कमज़ोर था, मगर वो हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का कदरजान ज़रूर था। यही वजह है कि आप रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का इश्तियाक रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होने का मौका मुयसर आया और आपको अपने पास तशरीफ़ आवरी की भी दावत दी, जो कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल फरमाई। आपको रुख्सत करते हुए जहांगीर ने बहुत से तहाइफ पेश किए, जिनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ एक जाय नमाज कबूल किया। न सिर्फ जहांगीर बल्कि शाहजहां भी हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ करता। दारशिको अपनी तसनीफ में मुलाकात की रोदाद कुछ यूं लिखता है, जिस वक्त बादशाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में दाखिल हुआ तो चार आदमी साथ थे। सबसे पहले आपने फरमाया, बादशाहान आदिल के लिए लाजिम है कि रैयत और मुमलिकत की खबरगिरी करें, ताकि अपनी विलायत की आबादी और खुशहाली में तनदही से मसरूफ़ रहें, क्योंकि अगर रैयत खुशहाल और मुल्क आबाद होगा तो सिपाह आसूदा और ख़जाना मामूर होगा। इन बातों के बाद दीन और मिल्लत के मसले पर गुफ्तगू होती रही। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह खित्ते में इंसान दोस्ती, रवादारी और बिलखसूस बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के अमीन और अलमबरदार थे। आपके अकीदतमंद न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख और हिंदू भी कसीर तादाद में इसी जज्बा मोहब्बत से सरशार थे,
जिस जज्बे की बदौलत एक अकीदतमंद किसी बुजुर्ग से निस्बत रखता है। तारीख हिंद बताती है कि सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव सिंह आप रहमतुल्लाह अलैह के मद्दाह थे। अकीदत का ये आलम था कि जब गुरु ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की तामीर कराने का इरादा किया तो लाहौर आकर हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि वो इस इमारत का संगे बुनियाद अपने मुकद्दस हाथों से रखें। मौरखीन बयान करते हैं कि गुरु अर्जुन को एक दफ़ा चाहे वक्त ने कालकोठरी की नज़र कर दिया, सो आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर गुरु अर्जुन का वहाँ पता करने आते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि गुरु अर्जुन के पास खाने पीने को कुछ मुयसर नहीं, सो करीब बेरी के दरख्त को देखकर आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह ये दरख्त हर मौसम में फल दिया करे और इसका फल कोठरी की उस जानिब गिरा करे ताकि गुरु अर्जुन के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो सके। आप इसी गली में मौजूद एक खांचा फरोश से बर्फ़ी ख़रीदा करते और उसे एक तंगो तारीख खिड़की से उस कोठरी में फेंक दिया करते कि ताकि गुरु अर्जुन के लिए खाने का इंतज़ाम हो सके। आज भी सिख यात्री इस गली में आते हैं और वहाँ से लाल खूह की उस बर्फ़ी को ख़रीद कर गरीबों में तकसीम करते हैं। साथ ही साथ इस याद को ताज़ा करने के लिए बेरी के दरख्त के पत्ते तोड़ते उसे अकीदतन सीने से लगाते हैं और साथ ले जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का अगर बग़ौर मुतालिया किया जाए तो हमें यह मालूम होता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तबलीग के ज़रिए शरीयत और तरीक़त के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की। आप रहमतुल्लाह अलैह इत्तेदाल पसंद थे, इंतहा पसंदी को नापसंद फरमाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रूहानी तकमील के लिए पहली सीढ़ी शरीयत थी। गोया शरीयत पर अमल वो पहला कदम है जो इंसान को स्पिरिचुअलिज्म की जानिब बढ़ाता है। शरीयत इंसान के नफ्स की इस्लाह करती है। दूसरी सीढ़ी तरीक़त है। तरीक़त इंसान के दिल की इस्लाह करती है। जब ये दोनों मराहिल इंसान उबूर कर जाता है तो हकीकत का नूर उसे हासिल हो जाता है। ये रूहानियत का आला तरीन दर्जा है। ये मरहला इंसान की रूह से ताल्लुक़ रखता है। शहज़ादा दारा शिकोह की रवायत के मुताबिक जहांगीर शहनशाह ने जब तख़लिये में हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू सुनी तो उसके दिल पर बहुत असर हुआ, हत्ता कि उसका दिल दुनिया की रंगीनियों से उचाट हो गया। अर्ज़ की, मैं मुल्क दुनिया छोड़ कर फ़कीर बनना चाहता हूँ, मेरे दिल में अब पत्थरों और जवाहरात में कोई फ़र्क बाकी नहीं। आप मुस्कुराए और फरमाने लगे, अगर ऐसा है तो तू एक सूफ़ी है। अर्ज़ की, अपना ग़ुलाम बना लें और खुदा की राह दिखा दें। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तो मखलूक खुदा के लिए अच्छा हुक्मरान है, तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कार्य अजीम के लिए चुना है। हाँ, अगर तू अपने जैसा कोई शख्स ढूंढे जो कि हलीम हो, जो कि खिदमत गुजार हो, जो सखी हो, तो तू उसे बादशाह बना ले, मैं तुझे फ़कीर बना लूँगा। तहकीकात चिश्तिया के मुताबिक हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से मुत्तसिल एक मौज़ा हाशिमपुरा आबाद था, जिसमें ढोडी राजपूत बरादरी की अक्सरियत आबाद थी, जो कि शाही दरबार तक रसाई और कसीर दौलत और सरवत के हामिल थे। दारा शिकोह ने ज़ाती दिलचस्पी और बड़ी मेहनत से यह तमाम ज़मीन जहां अब चार दीवारी है, इन लोगों से इंतहाई कीमती निरखों पर सिर्फ इसलिए हासिल की कि कल को कोई ये ना कहे कि दारा शिकोह ने बज़ोर हुकूमत ये ज़मीन हासिल करके खानकाह में शामिल कर दी। मज़ार शरीफ और खानकाह की तामीर करके दारा शिकोह ने हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के ख़ाहिरज़ादे मोहम्मद शरीफ के सुपुर्द कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मकबरा और मुतल्लिका आलीशान इमारात, जो कि संगे सुर्ख और संगे मरमर से मुज़य्यन हैं, दारा शिकोह की ही तामीर करदा हैं। अगरचे इनकी तामीरात में बाद अज़ां औरंगज़ेब ने भी अपना हिस्सा डाला और अपने अहद में साबिका ज़ेरे तकमील मनसूबे को अमली शक्ल दी, ताहम तारीख निगार इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि जुमला इमारात की बुनियाद दारा शिकोह ने रखी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 60 बरस इल्म व हिकमत और रुश्द व हिदायत की शमा जलाते रहे। कहा जाता है
कि आपके आखिरी अय्याम में हाकिम शहर वज़ीर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि मैं अपने साथ हकीम भी लाया। आप मुस्कुराए और फरमाने लगे कि मेरे लिए हकीम मुतलक ही काफ़ी है। आप हकाशना थे, आपकी हयात वो शहबाज थी जिसने हमेशा मारिफत का शिकार किया। आपका मरकज बहर करम की मानिंद है, जहाँ से आज भी ज़ायरीन की कसीर तादाद बहरमंद होती है। यहाँ से वो सुकून, वो एहसास, वो इत्मीनान मुयस्सर आता है जो मताओ माल से ख़रीदना मुमकिन नहीं।